और इस वक्त की बड़ी खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहां पंकज और अभिषेक को ढूंढने का सिलसिला अब खत्म हो गया है। आज 4 दिन बाद पंकज सोनी और अभिषेक सोनी का शव राप्ती नदी से बरामद हुआ है। मीडिया श्रावस्ती में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे हर खबर आपको मिलती रहे। जानकारी के मुताबिक पंकज, अभिषेक और मनोज सोनी तीनों चचेरे भाई कार्तिक पूर्णिमा के दिन राप्ती नदी भगला पुल पर नहाने के लिए गए हुए थे। मनोज तो नदी से नहाकर निकल आया था, लेकिन पंकज और अभिषेक दोनों गहरे पानी में जाने से डूब गए थे, जिनको ढूंढने के लिए पीएससी एनडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही थी। आज सुबह पहले तो पंकज का शव सनवा थाना क्षेत्र के मोहनापुर और अभिषेक का शव कोतवाली भिनगा के गोहनिया के पास से शाम को बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों का शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि अभिषेक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिससे उनके माता और पिता का परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।